मछली बनाने जा रहे हैं, दही मछली, जिसमें मछली में को धो के अच्छे से इसमें नमक हल्दी डाल दिए हैं, और इसको अभी 5 मिनट रेस्ट करके फिर शैलो फ्राई करेंगे, दही मछली बनाएंगे, आपको दिखाते हैं। दही मछली बन जो बना रहे हैं उसके लिए ये लहसुन अदरक मिर्च को और प्याज को पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में, इसका पेस्ट बना लेंगे, फिर पेस्ट बना के आपको दिखाते हैं। मछली फ्राई करने के लिए कढ़ाई रख दी है जिसमें मस्टर्ड ऑयल डाले हैं, तेल गर्म हो गया है, मछली को एक एक करके डाल देंगे। इसको ज्यादा लाल फ्राई नहीं करना है, इसको शैलो फ्राई करना है। बहुत ही टेस्टी बनता है दही मछली, आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए जरूर। और भी रेसिपी मेरे चैनल पर डले हुए हैं फिश के, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, 500 से अधिक रेसिपी डले हुए हैं, वेज नॉन वेज, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, सलाद, ड्रिंक्स, स्वीट्स, स्नैक्स, सभी के डले हुए हैं, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि मेरा रेसिपी आपको कैसा लगता है। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसी तरह हल्का हल्का फ्राई करके निकाल लेंगे। दूसरा बैच भी इसी तरह डाल देंगे। हम 2 लोग के लिए बना रहे हैं। इसी तरह हल्का शैलो फ्राई करके निकालना है, ये भी हो गया है, इसको भी निकाल लेंगे। इसमें सूखा तड़का लगाएंगे जिसमें जीरा, दालचीनी, इलायची, लौंग, तेज पत्ता डाल के तड़का लगा देना। और ये पिसा हुआ प्याज लहसुन अदरक और मिर्ची पीस के रखे हैं, उसको इसमें डाल देंगे। हल्दी डालेंगे, कलर के लिए कश्मीरी मिर्च, थोड़ा धनिया, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा गरम मसाला डाल रहे हैं, सबको मिला देंगे, उसको अच्छे से भूनेंगे, नमक डाल देंगे, मछली में भी नमक डाले थे इसमें थोड़ा कम डालेंगे। अब इसमें थोड़ा दही डाल देंगे, दही मछली बना रहे हैं तो दही डालेंगे, गैस को 1 मिनट के लिए बंद कर देंगे, फिर दही डालेंगे कि दही फटे नहीं।
भाई इसको फटाफट चलाएंगे। अच्छे से मसाले में दही को मिला देंगे कि दही फटे नहीं। मसाला दही को अच्छे से पकने दे रहे हैं। दही कितना अच्छा कलर आ रहा है, रोटी टेस्टी बनता है, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। दही मछली बन रहा है इसलिए थोड़ा सा इसमें क्रीम डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें। और इसमें फिश डाल देंगे। देखिए पानी खोल, पानी जो डाले खोलने लगा है चारों तरफ से। अब इसमें फिश डाल देंगे एक एक करके। ये रस गाढ़ा हो गया है, अब इसको उतार लेंगे। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, ये थोड़ा जमेगा ठंडा होने पर, इसलिए इसको उतार लेंगे थोड़ा। ये खाने के लिए बन के रेडी हो गया है। इसका चावल रोटी पराठा आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। बना के ज़रूर ट्राई कीजिए और कॉमेंट और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अब इसको हम बंद कर रहे हैं, हो गया। हम गार्निश करते हैं तो आपको दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छा बना है, आप भी बनाइए खाइए। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि मेरा रेसिपी आपको कैसा लगता है। आप भी बनाइए खाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि मेरा आपको दही मछली का रेसिपी कैसा लगा। कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।